नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको आपके मन में आने वाले सवाल जैसे भूतों की दुनिया कैसी होती है, वे क्या पहनते हैं और कैसे काम वस को शांत करते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, क्या हम भी मरने के बाद भूत बनेंगे, वे आपस में कैसे बात करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो को पूरा देखते रहिए और आज हम ऐसे ही सवालों के बारे में उत्तर देने जा रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने भूतों के बारे में कई ऐसी बातें और कहानियाँ सुनी हैं जिसमें से कुछ लोग भूत को नहीं मानते, लेकिन उन लोगों के लिए यह वीडियो नहीं है जो नहीं मानते, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो भूत प्रेत को मानते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों भूतों की दुनिया बहुत ही अजीब होती है, वे अपने ही बनाए जाल के अंदर फंसे रहते हैं, वे उससे निकल नहीं पाते और इसमें ही फंसे रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भूतों के भटकने का कारण उनके खुद के विचार हैं। यदि आप थोड़ी सी जागरूकता के साथ जीवन जी रहे हैं तो आप खुद को प्रेत योनि से मुक्त कर सकते हैं। यदि आप जानवरों वाले जीवन जी रहे हैं, जैसे कि किसी को मारना या गाली दे रहे हैं, तो आपको प्रेत बनकर ही भुगतना होगा। यह नेचर का नियम है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी जगह या किताब में यह बात बताया गया है कि स्थूल जगत जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर एक सूक्ष्म जगत भी है। यह दूध के अंदर पानी मिले हुए होते हैं, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ सूक्ष्म जगत है, लेकिन हमारे आसपास प्रेत रहते हैं और वे प्रेत नहीं दिखाई देते, लेकिन वे हमें आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसकी आत्मा अपने प्रियजनों को रोता देखती है, लेकिन वे उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर पाती है और वे अपने अंदर से आवाज़ भी निकालती है कि वे जिंदा है। हालांकि वे अपने संदेश अपने परिवार वालों तक नहीं पहुंचा पाती है क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं होती है। इसी प्रकार दोस्तों इस बात को समझ लेना चाहिए कि आंखों के देखने की अपनी सीमाएं होती है, जहां से वे आगे कुछ नहीं देख सकती। इसका मतलब यह नहीं कि वह वहां से कुछ नहीं देख सकती। असल में दोस्तों स्वामी विवेकानंद की पुस्तक में इस बात का प्रमाण भी दिया गया है कि जब इंसान की मौत होती है तो मरने से कुछ समय पूर्व वह बेहोश हो जाता है और उसके बाद जब उसको होश आता है तो वह अपने शरीर को एक दूसरे शरीर में पाता है। मानसिक शक्तियों की वजह से आत्मा एक शरीर की रचना करती है और उसी को प्रेत शरीर कहते हैं। प्रेतों का मतलब जो वासना शरीर के अंदर निवास करती है। जो लोग प्रेत पर विश्वास नहीं करते उनकी बहुत बुरी दशा होती है। मृत्यु के पश्चात जैसे ही सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह अपनी सोच की जाल के अंदर फंस जाते हैं। इस तरह के लोग पर भोग वाला सिद्धांत लागू होने की वजह से प्रेत बन जाते हैं और जो अच्छी आत्मा होती है वह अन्य लोक में चली जाती है। भूत प्रेत भी कपड़े पहनते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी, उन्हें किसी भी प्रकार की भौतिक कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। आमतौर पर भूत अपने जीवन काल में जिस प्रकार वस्त्र पहनते थे वह व्यक्ति मरने के बाद भी उसी प्रकार वस्त्र पहनता है। कई घटनाओं में भूतों को पैंट शर्ट पहनते देखा गया है। आपने कई ऐसी वीडियो में प्रेतिन को साड़ी पहने हुए देखी जाती है। असल में यदि कोई भूत प्रेत अपनी सोच से मुक्त हो जाता है तो वह एक ज्योति रूप में दिखाई देता है और दोस्तों ये अपने शौक के अनुसार काम करते हैं। इधर उधर भटकते रहना, जैसे पुराने किलों में रहना, वृक्ष में रहना, पीपल खजूर के वृक्ष पर रहना, अपवित्र स्थानों पर जैसे शमशान तालाब बावड़ी के तट पर घूमते रहते हैं, लेकिन अपने खुद की मन की शक्तियों से बनाए हुए घर में ही रहते हैं। यह जगह भौतिक रूप से बहुत बुरी होती है और कुछ प्रेत कामवश के अंदर फंसे होने के कारण मरने के बाद कामवश की रचना करते हैं और जब कोई प्रेत दिखाई देता है तो वे अपनी कामवश को शांत करने के लिए प्रेत से मांग करते हैं या महिलाओं के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और काम का सुख लेने की कोशिश करते हैं। कुछ भूत प्रेत दुष्ट होते हैं, उनको किसी को भी नुकसान पहुँचाने में बहुत मजा आता है। वे आपस में बात भी करते हैं लेकिन बोलने के लिए हमारी जैसी आवाज नहीं होती। वे मन के भाव की मदद से एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर बातचीत करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही अनोखी वीडियो के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।